उपराष्ट्रपति के विपक्ष सांसदों को निलंबित करने के विरोध में शुक्रवार को अलवर में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय के गेट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विधायक टीकाराम जूली, जुबैर खान, दीपचंद खेरिया, ललित यादव और मांगीलाल मीना सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से 157 सांसदों को बाहर निकाल दिया है लोकसभा से और राज्यसभा से। ये जो सरकार है ये जनता का कोई सम्मान नहीं करती है, हमारे संविधान का सम्मान नहीं करती है। जो भी सांसद हैं वो जनता ने चुनकर वहां भेजा है, जनता की आवाज बनकर वो अपनी बात रख रहे हैं। और एक छोटा सा एक मामला, जिस तरह से एक छोटी सी मांग इन सांसदों की है कि जो गृह मंत्री है वो आकर जो संसद है उसके अंदर अपना बयान दे कि इतनी एक बड़ी घटना जो हुई है उसके बारे में वो क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए वो बताए। लोकतंत्र की हत्या आज देश के अंदर की जा रही है वो बड़ा सोचनीय विषय है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जी को इससे जोड़ के इस मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है और उपराष्ट्रपति ने उससे समाज को भी जोड़ा जा रहा है। आज उसी समाज की एक बच्ची ने खेल से, कुश्ती से इस्तीफा दे दिया सिर्फ इस बात पे कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। सारे पहलवान देश के बायकॉट कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई।